कोलकाता में छापे के दौरान राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसी के बीच बहुचर्चित टकराव के करीब 2 महीने बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा ही मंजर दिखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस बार पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई आमने सामने थी, तो इस बार मध्य प्रदेश पुलिस और सीआरपीएफ के नोकझोंक हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ के करीबी कारोबारी अश्विनी शर्मा के भोपाल के प्लैटिनम प्लाजा स्थित के घर पर रविवार शाम को आयकर विभाग की रेड के दौरान बिल्डिंग के बाहर सीआरपीएफ के जवानों और मध्य प्रदेश पुलिस के में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सीआरपीएफ ने जहां एमपी पुलिस पर गाली देने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाया, वहीं एमपी पुलिस ने केंद्रीय बल पर आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं इंदौर में मुख्यमंत्री कमलनाथ ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के घर आयकर की छापामार कार्रवाई के बाद देर शाम एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र पुलिस अधिकारियों के साथ कक्कड़ के घर पहुंची, जहां मौजूद सीआरपीएफ जवानों को अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि आवश्यकता होने पर तत्काल फोन करें। उधर भी ऐसा कहीं नहीं, उधर भी कुछ नहीं है। हाँ उधर जी जी है ना। गौरतलब है कि शनिवार रविवार की दरमियानी रात आयकर विभाग की टीम ने सीएम कमलनाथ के ओएसडी के घर छापामार कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की है, जिसके बाद आयकर की टीम पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाना चाहती थी। इसी बात को लेकर एक समय गहमा गहमी की स्थिति बन गई। जैसी मरिया की रिपोर्ट।